अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और चलें शुरुआत करते हैं अपने नए दिन की और नए व्लॉग की। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ आजकल मैं रह रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत होटल है। बन रही है शाम की चाय यहाँ पे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पालक चिकन। पालक चिकन बनाने के लिए मैंने पालक को धो के काट के रख लिया है। अब हम इसको करेंगे बॉईल। बॉईल करने के लिए सबसे पहले डाल देंगे, इसको लो फ्लेम पे रखना है। ये हमने इसमें पालक डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1 चम्मच नमक, 2 हरी मिर्चें 2 से 3 और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। लो से कम चिकन है और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच दही और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों शुरू करते हैं पालक चिकन बनाने की रेसिपी। ये पालक हमने बॉईल करके रखा था, 1 प्याज ही कटी हुई है चॉप्ड और ये चिकन। हमने कुकर में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम जीरा और जो हमने प्याज ये चॉप करके रखी हुई थी ये डालेंगे और 1 साबुत लाल मिर्च और इसमें 1 छोटी हरी मिर्च। तो बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्की सी प्याज मुरझा जाएगी तो उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें ऐड कर दिया है हमने चिकन। मसालों में हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा नमक, लेकिन नमक हमें थोड़ा ही रखना है, हमने कल पालक में भी डाला था। ब्लैक पेपर भी थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देंगे।
अब जब इसका मसाला भुन जाएगा तो जो हमारे पास बॉइल्ड पालक है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ये पालक ऐड कर दिया है, अब इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। और ये पालक चिकन बनके हो गया है तैयार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे न्यू जर्सी की कुछ जगहें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।